सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खाली बर्तन लेकर एसडीएम ऑफिस पहुंचे ग्रामीण। रात होते ही चंडीगढ़ के सड़कों पर शुरू होती है गुंडागर्दी। विधायक ने सिख विरोधी दंगों के दोषी को जड़ा थप्पड़। अब खबरें विस्तार से। कांगड़ा जिले के देहरा में सकरी गांव के लोग पानी की सप्लाई नहीं आने से परेशान हैं। पानी की समस्या से तंग आ चुके लोग देहरा एसडीएम कार्यालय में खाली बर्तन लेकर पहुंच गए और धरना प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान ग्रामीणों ने शिकायत पत्र भी सौंपा। रात होते ही चंडीगढ़ सिटी में गुंडाराज शुरू हो जाता है। सड़कों पर युवक शराब पीकर जमकर हुड़दंग करते हैं। इतना ही नहीं, सड़कों पर जानलेवा लड़ाई झगड़े भी आम हो चलते। ऐसे ही झगड़े और फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अकाली दल के विधायक ने कोर्ट में सिख विरोधी दंगों के दोषी को जड़ा थप्पड़। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में 1984 में सिखों के खिलाफ हुए दंगों के एक दोषी पर अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को हमला कर दिया। इससे पहले अदालत ने दोषियों की सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।